जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं लेकर आ गया हूं ट्रिगोनोमेट्री का प्रैक्टिस सेशन। ट्रिगोनोमेट्री में अपने असाइनमेंट से 8 टाइप तक पूरा निचोड़ के साथ, थ्योरी के साथ आप सभी को करवा चुका हूं। और आज उसका जो प्रैक्टिस सेशन, चूंकि प्रैक्टिस सेशन जो है जिसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को भी टाइप बाई टाइप 8 टाइप में ही बांटा है ताकि रिविजन करना बिल्कुल आसान हो, तो आज हम लोग टाइप 1 से टाइप 4 तक का ताबड़तोड़ लगातार प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। और अगले क्लास में टाइप 4 से टाइप 8 तक, उसके बाद स्टार्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस। बिल्कुल रेगुलरिटी बरकरार रखने के लिए अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंचाएं इस एप्लीकेशन का भी लिंक और यूट्यूब चैनल का भी लिंक, ताकि सभी का बेस्ट तैयारी हो। आइए शुरू करते हैं आज का धमाका वीडियो, अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजेदार है। एक एक क्वेश्चन, मतलब कि यदि आप टाइप 1 से 8 तक बढ़िया से पढ़ चुके हैं, एक नोट्स बना चुके हैं, तो तूफान की तरह हम लोग उड़ा देंगे एक एक क्वेश्चन का। यह प्रैक्टिस सेशन पहला रखें, दो प्रैक्टिस सेशन मिलेगा जिसमें लगभग हम लोग 150 से 200 प्रश्न दोनों मिला के देखेंगे एक एक क्वेश्चन। ये टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक, जिन विद्यार्थी के पास अभी भी असाइनमेंट नहीं है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको असाइनमेंट उपलब्ध है। टेलीग्राम ग्रुप आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस लिखिए सर्च में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और फाइल में जाकर पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। 52 पेज का पीडीएफ है और बड़ा ही मजेदार पीडीएफ है ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का। आइए शुरू करते हैं आज का पहला धमाका, टाइप 1। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन ही एकदम धमाकेदार और एकदम बेसिकली क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से इसमें भी मैंने छाटा है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस है। टाइन ए का मान है भैया 4/3, तो पूछ रहा है साइन ए, तो बोलिए सर इसमें लिखने की कोई बात ही नहीं है, टाइन ए बराबर है 4/3। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एकदम जीरो से मैंने आपको पढ़ाया कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब 4 आधार 3, तो कर्ण कितना होगा भैया 5, हो गया काम। और क्या पूछ रहा है, साइन ए, तो साइन ए होगा लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना तो ऊपर वाला 4, कर्ण कितना लाए हो 5, चुटकियों में आंसर हो गया 4/5, नो डाउट, कोई टेंशन ही नहीं है, 4/5 ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखें कितना स्पीड से हम लोग बनाएंगे, मजा आएगा। 4 sin² x + 4 cos² x का मान क्या होगा, तो बोलिए तो ये तो डायरेक्ट 4 हो जाएगा, काहे काहे कि यहां से 4 जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा sin² x + cos² x। और आप सभी को मालूम है कि थीटा के किसी भी मान के लिए, थीटा रहे, ए रहे, बी रहे, एक्स रहे, sin² θ + cos² θ का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो 4 × 1 = 4 हम लोग का आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। आगे बढ़ो, मजेदारी आज आप क्वेश्चन नंबर तीसरा लपेट देते हैं, देख लो कितना मजा आएगा, ध्यान देना। क्या कहता है, sin² θ और 1/2 है और cos 75 - θ पूछ रहा है, तो पहले थीटा का मान चाहिए, तो बोले यार सर आप भी क्या बात कर रहे हो, sin² θ = 1/2 और 1/2 होता है भैया sin 30° का मान, sin 0, sin 15, sin 30, मतलब सभी का छेवो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का आपको पूरा जो चार्ट है वो 2-3 बार मैंने बताया। तो यहाँ पे sin² θ = 1/2, 1/2 sin 30 होता है, sin कट गया, 2θ = 30°, दैट मीन्स थीटा बराबर पूछता तो 15°, लेकिन पूछ रहा है इसका मान, तो बोले सर थीटा की जगह 15° रख दीजिए, तो cos 75 - 15 कितना हो जाएगा 60°, यानी बच गया भैया cos 60। तो बोले सर cos 60 का मान भी तो 1/2 होता है, जो 37 का मान होता है cos 60 का मान होता है, यानी हम लोग का आंसर यही हो जाएगा 1/2, क्लियर। एकदम कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। आज आप क्वेश्चन नंबर चौथा लपेट देते हैं, लपेट दो मजा आ जाएगा। टैन थीटा का मान ए बटा बी है और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, बोले सर ऐसा तो आप एक गो दो गो दसों क्वेश्चन बताएं कि टैन थीटा का मान दिया रहे और एक लाइन में साइन कॉस रहे, तब तो लंब आधार कर्ण करना होगा, लेकिन यदि ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, यहां पर से टैन थीटा बराबर ए बटा बी, और हम सभी जानते हैं कि टैन थीटा का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है, तो साइन के बदले ए पुट कर देंगे, कॉस के बदले बी, टकाटक आंसर आपके सामने, साइन के बदले ए, कॉस के बदले बी, साइन के बदले ए, कॉस के बदले बी, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, तो बोले सर ए गुना ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए गुना ए मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी गुना बी बी स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो गया।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ मान रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। क्लियर आ जाइए कौन सा ऑप्शन हो गया, तो बोले सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल टीयर वन एग्जाम में पूछा है, टीयर टू में, एमटीएस में, सभी का मैं निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्लियर आगे बढ़ जाइए, आ जाओ क्वेश्चन नंबर पांचवा लपेट देते हैं। तो बोले सर ये भी तो एकदम सेम पीछे जैसा हो गया, कैसे पांच टेन थीटा बराबर है चार, तो हम यहां से पूछे कि टेन थीटा बराबर, तो आप ही बोलिएगा चार बटा पांच। अब ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, तो बोलिएगा कि सर टेन थीटा का मान तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होवे करता है, कौन नहीं जानता है, तो साइन के जगह पर चार फुट करेंगे और कॉस के जगह पर पांच फुट करेंगे, तो कर दो ना, कौन मना कर रहा है, कर दो। तो बोले सर साइन के जगह पर चार, कॉस के जगह पर पांच, साइन के जगह पर चार, कॉस के जगह पर पांच फुट करेंगे, तो देख लो आंसर क्या होगा, पांचों का बीस, पंतिया पंद्रह, ऊपर पांच, पांचों का बीस और प्लस है पंतिया पंद्रह, तो नीचे पैंतीस, ऊपर माइनस था घट गया, पांच इकाएं पांच, पांच सात पैंतीस, एक बटा सात। बोलिए सर ये सब क्वेश्चन तो पिछला टाइप में भी था, यही तो फायदा है कि एक बार जब दोबारा प्रैक्टिस सेशन के रूप में आपके सामने आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा और एकदम जुबान पे आ जाएगा, क्वेश्चन आपके अंदर स्पीड और कॉन्फिडेंस लबालब भर जाएगा। क्लियर आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर छठा लपेट दो। ये तो और आसान है, सिर्फ लिखा हुआ उपटांग, साइन ए प्लस बी बराबर वन है, कॉस ए माइनस बी बराबर रूट थ्री बाई टू है, ए तथा बी धनात्मक न्यून कोण है, इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, न्यून कोण मैक्सिमम 99% न्यून कोण, 90 छोटा ही पूछता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो ए और बी का मान क्या होगा। बोले सर आप भी कमाल करते हो, साइन ए प्लस बी बराबर है वन, और वन होता है भैया साइन 90 डिग्री का मान, तो बोले सर इसलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, किसी को कोई डॉट ही नहीं होना चाहिए। कॉस ए माइनस बी बराबर रूट थ्री बाई टू, और रूट थ्री बाई टू कॉस में देखा जाए तो होता है कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस कॉस खत्म, तो ए माइनस बी बराबर कई डिग्री, 30 डिग्री। अब आप जानते हो कि दो राशि का योगफल और अंतर, ए प्लस बी ए माइनस बी, योगफल दिया रहे जोड़ क्या था, अंतर दिया रहे घटा क्या था, ए निकालना जोड़ क्या था 90 और 30 कितना होगा 120 क्या था 60 डिग्री, बी निकालना घटा क्या था 90 में से 30 क्या 60, 60 क्या था 30 डिग्री, कमाल करते हैं, ए 60 बी 30, ए 60 बी 30 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सातवां लपेटते हैं, फिर तो वही बात है, टेन थीटा प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर रूट थ्री, और रूट थ्री होता है टेन 60 डिग्री का मान, यानी हम कह सकते हैं भैया कि थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 60 डिग्री से थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर टू बटा रूट थ्री। बोले सर कॉस 30 का मान होता है रूट थ्री बटा टू, और सेक कॉस के उल्टा होता है, तो टू बटा रूट थ्री है, तो ये सेक 30 डिग्री का मान होगा, सेक सेक खत्म, तो थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर 30 डिग्री। अब आराम से चल दीजिए, निकालना क्या है, तो बोले सर पहले थीटा वन निकाल दीजिए, तो जोड़ के आधा, जोड़ के आधा, तो बोले सर 60 और 30 90 के आधा 45 डिग्री, थीटा टू पूछता तो घटा के आधा, 60 में 30 गया 30 के आधा 15 डिग्री, सिर्फ थीटा वन पूछता तो 45, थीटा टू पूछेगा तो 15 डिग्री, नो डॉट। अब आ जाओ आगे, थीटा वन थीटा टू अब निकाल ही गया, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है साइन थीटा वन, तो बोले सर थीटा का मान 45 डिग्री, तो देखिएगा साइन टू थीटा वन, टू थीटा वन मतलब थीटा वन के जगह 45 रखेंगे तो 45 दूनी 90 डिग्री, प्लस टेन थ्री थीटा टू, थीटा थीटा टू के मान 15 रखेंगे तो 15 थीटा 45 यानी टेन 45 डिग्री। अब हम सभी जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 1 2, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एकदम बारीकी से समझना है, कितना मजा आ रहा होगा बनाने में। क्लियर है आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हो गया 8, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान 7 है, तो थीटा का मान क्या होगा। बोले सर आप भी कमाल करते हैं, दोनों को sec या दोनों को tan में बदल दो, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना बराबर 7 है, यहां पर क्या करेंगे 2 sec स्क्वायर थीटा का मान एक उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 8, 2 चौका 8, यहाँ पर sec थीटा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, और sec में 2 किसका मान होता है, तो बोले सर tan में 1 बाई 2 होता है
सॉरी कॉस में 1/2 होता है किसका मान, तो बोले सर कॉस में 1/2 60 का मान होता है, तो 1/2 के उल्टा 2, तो यहां पर ये कॉस 60 का, एकदम तीनों को याद रहे हो तो कॉस 60 का मान 1/2, सॉरी कॉस 60 नहीं सेक 60 का, सेक 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, सेक खत्म हो जाएगा, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, थीटा का मान क्या डिग्री हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन मिला लो भैया ऑप्शन नंबर ए, कुछ नहीं सेक में बदल दिया, आप चाहे तो टैन में भी बदल सकते हैं क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो बदल दीजिए चेंज कर दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 9 लपेट दो, थीटा न्यून कोण है और cos थीटा 15/17, cot 90 माइनस थीटा का मान क्या हो, तो बोलिए सर आप भी बात करते हैं, cos थीटा है 15/17 और हम सभी जानते हैं ये होता आधार बटा कर्ण, पाइथागोरस जी याद आ गया, ये आधार हो गया एक कर्ण हो गया तो निश्चित है लंब 8 होगा, 8 15 17, अब पूछ क्या रहा है हम लोग से, तो पूछ रहा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और हम लोग पढ़े हैं ना कि 90 माइनस थीटा में चेंज होता है कॉट टैन में, तो हो जाएगा टैन थीटा, और टैन थीटा होता है भैया लंब बटा आधार, लंब आप 8 लाए हैं आधार 15 दे ले, ये ले लो 8/15, बच्चा का खेल है एकदम खेल है ये सब, 8/15 ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन लपेट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लपेट दो, एकदम मजे मजे का क्वेश्चन लाया हूं, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7/12 है, तो sec पर पावर 4 थीटा माइनस tan पर पावर 4 थीटा का मान, तो ये भी 7/12 ही होगा, बोले का है सर का है कि इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा के स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि sec पर पावर 4 थीटा है, माइनस tan स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि tan पर पावर 4 थीटा है, अभी पूरा को a sec स्क्वायर थीटा को a tan स्क्वायर थीटा को b माने, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस b, तो बोलिए सर a sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एगो हो जाएगा a माइनस b इनटू a प्लस b, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब इसका मान एक होता है बच्चा बच्चा जानता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो यहाँ पर इसका मान एक और इसका मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 7/12, तो एक से गुना करेंगे तो 7/12 ही हो गया, बोले ये सब तो देखते ही हम लोग आंसर मारेंगे, क्लियर माइंड में ही सबका आंसर क्लिक कर जाना है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ, मजा आएगा तूफान की तरह, tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3, तो बोले सर ऊपर साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, तो सीधा लंब बटा आधार नहीं करते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बोले सूर्य में तो बताए साइन के बदले 4 कॉस के बदले 3 पुट करो, और सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करिएगा, केवल गुना करके जोड़ना है या नीचे घटाना है, क्लियर बच्चा बच्चा जानता है सब। चलिए आगे बढ़ जाइए तूफान की तरह, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, कहता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, तो थीटा धनात्मक न्यून कोण हो तो थीटा का मान, बोले सर आप भी कमाल करते हैं, या तो इसको साइन में बदलो या तो इसको साइन में, या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा, क्या होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है दिया हुआ 1, तो आप देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, बोले सर 1/2 कॉस में होता है 60 डिग्री का मान, 1/2 एकदम माइंड में क्लिक होना चाहिए 60 का मान, तो कॉस कॉस खत्म हो गया 2 थीटा बराबर 60 डिग्री 10 मिनट थीटा बराबर 30 डिग्री, आप चाहें तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर या इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर से भी बदल सकते हैं, लेकिन कंपाउंड एंगल में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा, आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जा क्वेश्चन नंबर 13, बोलिए सर ये तो पीछे भी मिला था टाइप में, तो यहां भी लपेट दो, करना तो कुछ खास नहीं है, सीधे इसका पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, क्या होगा तो आंकिक आंसर नहीं पूछ रहा है, बल्कि ऑप्शन में पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं होगा, परिमेय संख्या परंतु पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग अपरिमेय, इस प्रकार से, तो देख लीजिए 152 साइन 30 डिग्री डायरेक्ट मान रखेंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है नो डॉट, प्लस 2 इंटू कॉस 45, लेकिन स्क्वायर है तो बोले सर कॉस 45 का मान तो 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर के कारण हो जाएगा 1/2, प्लस 3 इंटू साइन 30 का मान तो 1/2 है ये, प्लस 4 फिर कॉस स्क्वायर 45 तो फिर 1/2, चूंकि कॉस 45 का मान 1/√2 ही होता है, लेकिन स्क्वायर उसको प्लस बना देगा,
अब डॉट 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 इस प्रकार से बढ़ते गए, प्लस लास्ट में कितना, ये 17 है तो 17 इंटू साइन 30 का 1/2, फिर 18 इंटू यहाँ भी कॉस स्क्वायर 45, तो 1/2 ही जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, देखिएगा कॉमन 152 तो है, बोले सर गुना 1/2 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ 1 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, फिर डॉट 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 इस प्रकार से करके 17 प्लस 18 बच गया। आप बोले सर ये तो प्राकृत संख्याओं का योगफल आ गया, तो प्राकृत संख्याओं का योग तो आप जानते ही हैं क्या होता है, तो देख लीजिए 152 गुना 1/2 और गुना ये क्या होगा, तो बोले सर हम सभी जानते हैं एन कर्मागत प्रकृति संख्याओं का योग एन इंटू एन प्लस 1/2, तो 18 × 19/2 मजा आया, 18 × 19/2। अब करना क्या है, करना तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ ये दोनों गुना करके 4 हो रहा है, 4 से ही कट जाएगा, 4 से यदि हम इसको काटते हैं तो 4 × 12 = 32, अभी कुछ ना कुछ का स्क्वायर के रूप में बैठ जाएगा, जैसे 38 को हम 19 × 2 लिख देते हैं, गुना 1 है गुना 18 है, गुना 18 और गुना 19, तो ये 19 × 19 तो 19 के स्क्वायर हो गया, गुना 18 × 36 तो 6 के स्क्वायर हो गया, यानी हम कह सकते हैं क्या पूछ क्या रहा है, इतना हम क्यों लिखे, इसको गुना करके आंसर ला सकते हैं, पूछ रहा पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, तो बोले नहीं सर ये पूर्णांक भी अपूर्ण वर्ग भी है, देखिए स्क्वायर के रूप में बैठ रहा है, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग, यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग, कार्ड शार्ट के आ गया, देखिए पूर्णांक तो आइए दशमलव में नहीं है, मतलब पूर्णांक है, अपूर्ण वर्ग स्क्वायर में बैठ रहा है, क्लियर नो डाउट, आगे बढ़ जाओ। चलो आज आप क्वेश्चन नंबर 14 लपेटते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर 2/3, तो 1 − 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो बोले सर आप भी बात करते हैं, देख लीजिए कितना मजेदार है, कंफ्यूज किया इसे, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दे तो कोई मना नहीं करेगा, माइनस इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दे तो कोई मना नहीं करेगा, बराबर 2/3 है, क्लियर है, यहां देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई पहले लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बोले सर इसका मान तो वैसे भी 1 हो गया, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब देखिए बारीकी से चलिएगा, बोले सर यहां पूछ रहा है 1 − 2 साइन, तो साइन में ही बदल देते हैं, इसको हम बदलेंगे 1 − sin² θ, तो बोले सर 1 − sin² θ माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ जाएगा, तो −2 sin² θ इतना बराबर इधर, तो 2/3 रहेगा, आंसर हो गया 2/3, मतलब कुछ करना नहीं था, कभी कभी डायरेक्ट इसका पावर 4 दे देगा, माइनस वाला पूछे तो वही हो जाएगा 2/3, इसकी को कॉस को साइन में बदल के रूप बदल दिया तो इसका भी 2/3 हो गया, आंसर हो गया हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 लपेट देते हैं एकदम मजे से, कह रहा है 2 cos² θ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो cot थीटा का मान क्या होगा, बोले सर अभी तो आप बताए थे कि 2 cos² θ माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos² θ और बराबर उधर 1 है ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos² θ बराबर होगा 1/2 और 1/2 cos में होता है भैया cos 60 डिग्री का मान, नो डाउट, इसलिए cos cos खत्म, तो 2θ बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 30, बोले ये तो बताइए किए थे पीछे, लेकिन केवल थीटा का मान निकालना बताए थे, यहां पूछ रहा है cot थीटा, तो cot 30 डिग्री और cot 30 का मान क्या होता है, तो बोले सर cot 30 का मान होता है √3, cot 30 का मान होता है √3, ऑप्शन नंबर डी, cot 30 का मान होता है √3, ऑप्शन नंबर डी, मजा आ रहा है एकदम मजा आएगा जी, समय भी कम लगेगा और तूफान की तरह उड़ाते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए, मजा आ जाएगा, देखिए tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान, तो बोले सर tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0, तो उधर हम cot को भेजेंगे तो tan थीटा बराबर cot थीटा, तो tan थीटा और cot थीटा बराबर तभी होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान भी 1, cot 45 का मान भी 1, या sin cos बराबर होता है जब थीटा 45, या cos x बराबर होता है जब थीटा 45, तो थीटा 45 इसलिए sin थीटा यानी sin 45 और प्लस cos 45 का मान पूछा, तो sin 45 1/√2, cos 45 है 1/√2, LCM √2 ऊपर 2, √2 से √2 बार में कट जाएगा, फाइनली हम लोग का आंसर √2,
ऑप्शन मिला लो ऑप्शन नंबर सी, केवल काटने का जो धार है ना उसको तेज रखना, फिर तो मजा ही आ जाएगा। और इतना बारीकी से आठ टाइप तक पढ़ाया हूं कि इतना तूफानी तो चलना लाजमी है। आगे बढ़िए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। रूट थ्री टेन थीटा बराबर थ्री साइन थीटा, तो पहले यहां तो मान निकालेंगे, रूट थ्री टेन थीटा को बदल देते हैं क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, अब बराबर कितना है थ्री साइन थीटा लो, तो क्या हो जाएगा, तो बोले सर हम लोग का कट जाएगा ये क्या साइन थीटा कट गया, आई रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, तो वन बाई कॉस यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या रूट थ्री वन बाई कॉस सेक। अब सेक में तो किसी का मान रूट थ्री होता नहीं है, तो करें क्या, तो करना कुछ नहीं है, बटा में बंद दे दो, और सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो इसलिए लंब कितना हो जाएगा, तो बोले सर लंब तो होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण रूट थ्री है, रूट थ्री का स्क्वायर तीन और माइनस एक यानी रूट टू, तो लंब आधार कर्ण सब निकल गया। अब हम लोग से पूछ क्या रहा, तो पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझिएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलिए कि सर जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोले सर साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आप कितना लाए रूट टू, कर्ण कितना है रूट थ्री, स्क्वायर करेंगे तो टू बटा थ्री माइनस कॉस स्क्वायर, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है एक, कर्ण कितना है रूट थ्री, तो एक बटा रूट थ्री मतलब एक बटा तीन, यानी हम लोग का आंसर तीन और ऊपर दो में से एक गया एक, एक बटा तीन होना चाहिए, एक बटा तीन हो गया ऑप्शन नंबर सी। वही खेल है, अभी तक सिर्फ बेसिक का खेल है, लंब आधार कर्ण हम इसका मान रख दिए, साइन साइन कट गया रूट थ्री से रूट थ्री बार में कट गया, वन बाई कॉस यानी सेक बराबर रूट थ्री बाई वन, कर्ण बटा आधार होता है सेक का मान, लंब हम लोग निकालिए रूट टू, फिर आराम से मान रख दिए, बच्चा बच्चा बना लेगा, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 लपेट ही दो, 18 लपेट ही दो। कह रहा है क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन 75, बोलिया कि सर वो फॉर्मूला तो पहले से याद है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये चाहता है ना कि साइन 75 को आप 45 प्लस 30 लिख के बनाइए, उतना फुर्सत है जी, साइन 75 का मान तो सबको याद होगा, तो रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू, रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू साइन 75, और साइन 15 का मान आपको बताए थे रूट थ्री माइनस वन बटा टू रूट टू, ये सब तो चार्ट में ही याद करा दिए थे, इसको क्या लिखना है, चलो आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, और ये इंटू में क्या हो गया है, इंटू नहीं है प्लस होना चाहिए या माइनस, ये क्या है कॉस एक स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो यहां पे होना चाहिए सेक स्क्वायर ए है, तो यहां पे इसको लिखना चाहिए था क्या माइनस में लिखना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए माइनस, तो बोले सर ऐसा करते हैं ना ई दोनों में यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा माइनस वाला प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, नो डाउट, फिर ई दोनों में यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ई माइनस में है तो प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अब तो धार आ गया क्योंकि टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान एक, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान एक, तो बोले सर माइनस एक इधर भी माइनस एक, तो माइनस एक माइनस टू, इसी को तो कहते हैं तांडव कॉन्सेप्ट, मतलब जब टाइप बाय टाइप पढ़े हुए हैं तो इस सब क्वेश्चन को तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्लियर। आगे बढ़ो, आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, मजेदारी देखिए कितना है, कहता अल्फा बीटा धन न्यूनकोण है और साइन 4 अल्फा माइनस बीटा का मान एक है, बोले सर साइन 4 अल्फा माइनस बीटा का मान, देखिए एलडीसी में पूछा गया एक है, तो बोले सर एक तो साइन में 90 का मान होता है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 डिग्री। चलिए यहां भी देख लेते हैं, कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा का मान 1 बाई 2 और 1 बाई 2 तो कॉस 60 का मान होता है, यानी 2 अल्फा आर प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हम लोग से पूछ क्या रहा है साइन अल्फा प्लस टू बीटा, तो बोले सर पहले अल्फा बीटा तो निकाल लें, तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, देख लो कैसे निकले, बोले सर इसको जोड़ देते हैं बीटा माइनस बीटा प्लस कट गया, चार दो छः अल्फा, छः अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90 और
साठ डेढ़ सौ, तो हो गया पच्चीस छः का डेढ़ सौ, यानी अल्फा हो गया 25 डिग्री। अल्फा कितना हो गया? बोले सर अल्फा हो गया 25 डिग्री। अब बीटा निकालना है, तो यहाँ पे अल्फा रख दीजिए इस इक्वेशन चाहे इस इक्वेशन में, तो अल्फा रखेंगे तो 25 दूनी 50 डिग्री और प्लस बीटा बराबर 60। दैट मीन्स बीटा कितना हो जाएगा? 50 जाके 60 में घटेगा 10 डिग्री। लो अल्फा 25 और बीटा 10 डिग्री। अब निकालना क्या है? तो बोले सर निकालना है साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। अब आप अल्फा का मान निकाले हो 25 डिग्री और बीटा का मान निकाले हो भैया 10 डिग्री, तो ये हुआ कितना? तो बोले सर साइन 25 और 10 दूनी 20, यानी कि साइन 45 बन गया, और साइन 45 का मान होता है भैया 1/√2, ऑप्शन नंबर डी, यानी उसी में आंसर छिपा हुआ है। कुछ नहीं, लिनियर इक्वेशन के रूप में साइन 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो साइन 90 होता है, तो 4 अल्फा माइनस बीटा का मान 90, कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा 1/2, और 1/2 होता है कॉस 60, तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 60। एक माइनस प्लस था, बिना सेम किए काट दिए, आ गया अल्फा 25 डिग्री। अल्फा का मान इसमें चाहे इसमें कोई रखे, बीटा 10 डिग्री। यहाँ अल्फा बीटा रख दिए 25 और उधर 10 दूनी 20 45, साइन 45 का मान तो बच्चा जानता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 लपेट देते हैं, मजे का चीज है, देख लो। कहता है थीटा न्यून कोण हो और कॉसेक थीटा बराबर √3 है, तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? आप भी कमाल करते हो यार, देख लो थीटा न्यून कोण है और कॉसेक थीटा बराबर √3 है, थीटा न्यून कोण है और कॉसेक थीटा बराबर √3 है, तो बोल क्या रहा है? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बोलिए सर कॉसेक थीटा √3 है, कॉसेक थीटा √3 है, यहां पूछ रहा है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये तो गड़बड़ है। तो बोले सर करे तो क्या करें? तो करना ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, देखिए करना क्या है। हम सभी जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। बोले काहे सर? काहे ऐसा होगा? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान वन होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तोड़ के बताएं तो रूट अंडर कॉसेक का मान √3, √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 यानी √2, तो कॉट का मान निकालिए, गया कॉस का दिया हुआ है ये, तो बोला कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो कॉट थीटा का मान आप कितना निकाले हैं? √2 माइनस कॉसेक थीटा का मान √3, √2 माइनस √3 है भैया ऑप्शन नंबर ए, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 लपेट दो। टेन ए प्लस बी बराबर √3, आप बोलिए सर √3 तो टेन 60 का मान होता है, यानी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। टेन ए माइनस बी बराबर 1/2, और ये होता है भैया टेन 30 डिग्री का मान, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या है? कोने प्लस कोन भी 90 से बड़ा है, तो बोल रहा है कि a b से छोटा है, तो बताइए a का मान क्या होगा? तो बोले सर आप भी क्या बात कर रहे हैं, समझ लो कोने निकालना है, तो ये निकालना है, तो जोड़ के आधा, जोड़ के आधा यानी कि हो गया क्या? बड़ा या बराबर होना चाहिए, यहाँ पर भी बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, 90 से छोटा ही है, तो जोड़ के आधा करेंगे तो 60 में से 60 और 30 कितना हो गया? 90, 90 के आधा 45 डिग्री, कौन भी पूछता, घटा के आधा, कमाल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया? 45 डिग्री। कुछ ना, ए प्लस बी ए माइनस बी निकालिए क्या, ठीक है ना, और ऐसे भी बोल रहा है कि 90 से छोटा ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी 60 डिग्री, 90 से छोटा, ज्यादा कुछ नहीं, योगफल अंतर निकल गया, बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा है, ए निकालना है जोड़ के आधा। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 लपेटते हैं। थीटा प्लस 5 बराबर पाई बाई 2, मतलब कि हम कह सकते हैं थीटा प्लस 5 बराबर 90 डिग्री, क्या डिग्री? 90 डिग्री। साइन थीटा 1/2, अब 1/2 होता है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, तो थीटा बराबर तो 30 डिग्री हो गया, तो थीटा 30 डिग्री हो गया भैया, दोनों जोड़ के 90, तो फाई 60 डिग्री हो जाएगी, तो पूछ क्या रहा है? इसलिए साइन फाई यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है भैया √3/2, किसी में हिम्मत नहीं कि मना कर सकता है, तो बच्चा बना लेगा। थीटा प्लस फाई पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, पाई बाई टू मतलब क्या डिग्री? 90 डिग्री। साइन थीटा 1/2 यानी साइन 30 डिग्री हो गया, तो थीटा का मान 30,
तो दोनों जोड़ के ना बे थीटा 30 तो 560, तो 60 वहां रखेंगे साइन 60 का मान रूट 3/2, नो डॉट नो डॉट, एकदम हलवा की तरह उड़ाते चलेंगे। और सब पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, टेन थीटा का मान 3/4 है, तो बोलिए सर साइन के जगह 3 और कॉस के जगह 4 फुट कर देंगे, 3 4 3 4 फुट करिए, ऊपर घटाइए नीचे जोड़िए, क्लियर। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 उड़ाते हैं, क्या दिया हुआ है, तो बोले सर साइन थीटा बराबर दिया हुआ 0.7, पूछ रहा है कॉस थीटा, तो बोले सर कॉस के मान साइन के रूप में लिखा जाए तो होगा 1 - √1 - sin²θ, तो रूट अंडर, चूंकि यहां सिर्फ कॉस है तो 1 - sin²θ मतलब 0.7 के स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 - 0.7 के स्क्वायर 0.49। अब देखिए 1 रुपया में 49 पैसा घटा देंगे तो 51 पैसा बचेगा, यानी रूट के अंडर 0.51, एकदम आसान से आ गया ठेट में, रूट के अंडर 0.51 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, चलो लपेट देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 लपेट देते हैं, मजे का क्वेश्चन आ गया, बोले तो यही आंसर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1/3, थीटा का मान ऐसे ही लिख दिया 0 और 90 के बीच हो, उसे कोई लेना देना नहीं, तो कॉस पर पावर 4 माइनस साइन पर पावर 4 का मान भी 1/3 होगा। बोले काहे सर, काहे कि इसको कॉस स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर के स्क्वायर, तो ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, तब प्लस वाला तो मान 1 ऑलरेडी होता, तो बचेगा खाली माइनस ए वाला, तो इसका मान तो 1/3 दे लिया, ये ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27, साइन देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे हर हाल में लंबा धार कर्ण, क्योंकि साइन का मान दिया हुआ, तो ये नहीं कि आप 1 को बदले 3, 1 को बदले 5 रख सकते, नहीं, इसको क्या करेंगे, तो बोले सर साइन थीटा बराबर 3/5 है, हम सभी जानते हैं कि साइन लंबा धार कर्ण होता है, इसलिए हम लोग का आधार कितना होगा, तो 4 होगा, पाइथागोरस जी याद है आपको, अब आ जाओ इसका मान पूछा है, तो बोले सर टैन थीटा, तो टैन लंबा धार आधार होता है, लंब 3 आधार 4, तो 3/4, कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार 4 कर्ण 5, कॉट आधार बटा लंब होता है, आधार 4 लंब 3, प्लस कॉस एक कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण कितना 5/3, तो बोले सर ऊपर का तो एलसीएम 20 हो गया, 5 × 15 = 16, 31 हो जाएगा, नीचे का एलसीएम 3 हो गया, तो यहाँ 4 × 5 = 9 हो जाएगा, अब करें तो क्या करें, तो करना कुछ नहीं, 31/20 अगुना 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 3/1 है तो 1/3, ऊपर 31 और नीचे 20 × 3 = 60, खेल है तो केवल और केवल लेफ्ट राइट ऊपर नीचे का, 31/60 होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कहीं पर से कोई काट नहीं सकता है, क्लियर। चलिए आ जाइए 27 हो गया, 28 तो लपेट ही दोगे, तो बोलिए सर कैसे, क्योंकि कौशिक है और क्या है सेक है, और फिर कौशिक और सेक है, तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, साइन उल्टा कौशिक, कौशिक उल्टा साइन होता है, आप ही तो बताए हैं, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ना आएगा क्या, आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, लेकिन स्क्वायर है, यही तो दिक्कत है कि स्क्वायर है, तो बोले सर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, टैन अल्फा बराबर, टैन अल्फा है ना, तो टैन अल्फा का मान 2 दिया हुआ है, 2/1 हो जाएगा, तो बोले सर यहाँ पर हम यदि साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा लिख दें, तो साइन अल्फा का मान 2 और कॉस अल्फा का मान कितना होगा 1, अब साइन अल्फा हो गया 2, तो निश्चित है यहाँ पर हमें चाहिए कॉसेक अल्फा, तो कॉसेक अल्फा उसका उल्टा 1/2, और कॉस 1 है तो निश्चित है सेक अल्फा 1 ही होगा, नो डाउट। अब मान रख दीजिए कॉसेक अल्फा 1/2, तो कॉसेक अल्फा 1/2 तो 1/4 माइनस सेक अल्फा 1 तो 1 हो जाएगा बटा कौशिक अल्फा, तो बोले सर कौशिक अल्फा हो जाएगा 1/2 यानी 1/4 और प्लस 1 ऊपर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, उधर 4 × 4 तो 1 - 4 गया तो -3 बचेगा, नीचे भी एलसीएम 4 × 4 = 5, 4 तो कट गया, फाइनली बच गया -3/5, कमाल कर दिए ना, यहाँ भी -3/5 ऑप्शन नंबर बी सबसे आसान तरीका, लंबा धार कर्ण भी अपना सकते थे, लेकिन हमें लगा कि कौशिक को हम साइन में बदल सकते हैं, सेक को भी साइन में, तो 1/sin, 1/cos, 1/sin, 1/cos डायरेक्टे हम 2/1 कर दिए और साइन बटा कॉस, तो साइन की जगह 2, कॉस की जगह 1, या तो डायरेक्ट हम कौशिक की जगह 1/2, सेक की जगह 1 पुट कर दिए, कैलकुलेशन करके आगे, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। और पूछा हुआ क्वेश्चन टीयर 2 में,
कितना लॉलीपॉप तरीके से हम लोग बना ली। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 29। 5 साइन थीटा बराबर 3 है, तो बोलिए सर साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। 3/5 लंब होता है क्योंकि यहाँ अलग अलग सब कुछ है, तो डायरेक्ट मान नहीं रख सकते। लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 3, कर्ण 5, तो आधार कितना हो जाएगा 4। अब देखो मान रख रहे हैं इसमें सेक थीटा, तो बोले सर सेक होता है जैसे कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 5, आधार है 4। माइनस टेन थीटा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 और बटा 4। यहाँ गई सेक थीटा, तो बोले सर वही 5/4 प्लस टेन थीटा, तो वही 3/4। ऊपर भैया एलसीएम 4, 5 में से 3 गया 2, नीचे भैया एलसीएम 4, 5 3 8, 4 कट गया, 2 2 4 8 कट गया, फाइनली बच गया 1/4। मान पता लगाने के लिए हम बेसिक पढ़ चुके हैं, तो फर्क क्या है, पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना, जितना फास्ट आप काट सकेंगे उतना फास्ट आंसर आए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह लपेटते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 2। टाइप 1 को नाश्ते नाबूद कर चुके हैं, टाइप 4 तक दौड़ाएंगे तेजी से। फिर बोले सर टाइन ए बराबर 4/3 और पूछ रहा है साइन है, तो फिर तो वही बात हो, पीछे तो हम लोग बनाए हुए किए हैं तो इसका आंसर कमेंट कर देना है। आ जा क्वेश्चन नंबर 2, साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस 3 × x + y, तो पूछ रहा है टेन 2x + y। बोले सर टाइप 2 में आपने पढ़ाया था कब कि साइन ए बराबर कॉस बी और टेन ए बराबर कॉट बी और कौशिक ए बराबर सेक बी, ये तभी संभव है जब ए प्लस बी जोड़ के भैया 90 डिग्री, ए प्लस बी जोड़ के 90 डिग्री, ये तभी संभव है जब ए प्लस बी जोड़ के 90 डिग्री। तो बोले सर ए प्लस बी जोड़ के आप बोल रहे हैं 90 डिग्री। यहाँ देख लीजिए साइन, इसको ए माना जाए इसको बी, तो साइन ए कॉस बी बराबर है, तो ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब जुटेगा एक्स वाई ए गुआ 3 × x y यानी 4 × x + y बराबर क्या डिग्री 90 डिग्री। अब इसको हम काटेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 × 4 और 45 × 90 काट देते हैं, यानी 2 × x + y बराबर 45 डिग्री। बोलिए ऐसा क्या है सर, क्योंकि पूछ भी रहा है टेन 2 × x + y और 2 × x + y का मान क्या निकाले हैं 45 डिग्री, और टेन 45 का मान 1 होता है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो ये पूरा पहले ही बता दिया कि साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी और कॉसे के बराबर सेक बी तभी संभव है जब दोनों को जोड़ के 90 डिग्री हो। पूरा एगो टाइप वैल्यू ऑफ थीटा हम लोग पढ़े, क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार से है। साइन 2x - 20 है, कॉस 2y + 20 है, तो सेक एक्स प्लस वाई, तो बोलिए सर साइन और कॉस है तभी संभव है जब ये दोनों कोण जोड़ के 90 डिग्री हो, तो 2x - 20 और प्लस 2y + 20 जोड़ के कई डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, 20 20 कैंसिल जो कि माइनस प्लस है, 2 कॉमन, तो 2 × x + y बराबर कई डिग्री 90 डिग्री, x + y बराबर कई डिग्री 45 डिग्री। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है sec x + y यानी sec 45, और sec 45 का मान √2 होता है, बच्चा जानता है, तो sec 45 का मान √2 ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, आ जा क्वेश्चन नंबर 4 लपेटते हैं 2 टाइप का। टेन ए प्लस बी आई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो बोले सर ऐसे भी तो इंटू में 1 तभी होगा जब ये दोनों जोड़ के 90, क्योंकि टेन उधर जाएगा तो कॉट, तो टेन ए बराबर कॉट भी कब होता है जब जोड़ के 90, तो ये दोनों जोड़ के 90, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 90 डिग्री, वाई वाई कैंसिल, 2x बराबर 90 डिग्री, x का मान 45 डिग्री। हर बार कोई जरूरी नहीं है, संजोग है तीनों क्वेश्चन में 45 आ गया, तो पूछ क्या रहा है, बोला टेन 2x/3, x के जब 45 रखेंगे तो 45 × 90 डिग्री अब बटा 3, तो 30 × 90 यानी फाइनली हम लोग से पूछ रहा है टेन 30 डिग्री, और भैया टेन 30 का मान 1/√3 होता है, कौन नहीं जानता है ये बताओ, आराम से बन गया 1/√3 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलो मजे से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। क्या कह रहा है,
साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा बराबर 1। तो बोले सर ये साइन अल्फा, ये उधर जाएगा तो कॉस बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा साइन अल्फा, इस सेक को उधर फेंकेंगे तो 1 बाई सेक 30 प्लस अल्फा ही बन जाएगा कॉस 30 प्लस अल्फा, क्योंकि 1 बाई सेक 30 कॉस होता तो साइन कॉस बराबर, यानी दोनों को जोड़ के 90 अल्फा प्लस 30 प्लस अल्फा जोड़ के 90 डिग्री अल्फा और अल्फा, तो बोले सर 2 अल्फा 30 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 60, 30 दूनी 60, अल्फा का मान 30, अल्फा का मान 30, तो चल दीजिए बेटा साइन अल्फा, तो यहाँ 30 रखेंगे, यहाँ भी 30 रखेंगे, तो ये हो गया साइन 30, और साइन 30 का मान क्या होता है, तो बोले सर 1 बाई 2 प्लस कॉस 30 दूनी 60, कॉस 30 का कॉस 60 का मान भी 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 जोड़िए तो 1 होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर ए, 1 बाई 2 मतलब हाफ हाफ और हाफ, आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, नहीं तो जोड़ लीजिए, क्लियर। तूफान की तरह चलेंगे, तूफान की तरह आपको भी चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी प्रकार से, टेन 2 थीटा प्लस 45 बराबर कॉट 3 थीटा, ये तभी संभव है जब दोनों कोण जोड़ के 90 डिग्री, तो 2 थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 3 थीटा बराबर 90, 3 और 2 5 थीटा, 45 जाके घट जाएगा तो बच गया 45, दैट मीन्स 5 नमा 45, थीटा बराबर 9 डिग्री, थीटा बराबर 9 डिग्री, तो यही तो थीटा का मान क्या होगा 9 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। कितना मजा आ रहा होगा, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, मजे का क्वेश्चन है, कहता क्या है, यहां पर फिर से देख लीजिए, साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20, तो टेन एक्स प्लस वाई, बोले सर अभी तो आप बताए थे हुबहू सेम, अभी 20-20 कट गया था और 2 कॉमन लेके x प्लस वाई का मान 45, तो टेन यहां पर x प्लस वाई का मान 45, तो टेन 45 का मान हुआ, ऑप्शन नंबर डी, अभी जस्ट बताए, मतलब इतना ज्यादा रिविजन होगा कि निश्चित है आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 लपेट देते हैं, लपेट ही दो, फिर से sec 60 थीटा प्लस 28 और cos 30 माइनस 3 थीटा, तो थीटा का मतलब बोले सर जैसे sin बराबर cos, tan बराबर cot और cosec बराबर sec, तभी होता है जब दोनों का कोण जोड़ के 90 डिग्री, तो जोड़ दो 7 थीटा प्लस 28 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो बोले सर 7 थीटा में इतना बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा जाएगा 4 थीटा, ये 28 में से 30 घट गया, सॉरी 3 थीटा है, 3 क्या है थीटा है, ये 3 थीटा है, ये 28 प्लस में है, ये 30 भी प्लस में है, 30 और 28 जोड़ोगे बाबू 58, प्लस में उधर जाएगा माइनस, 90 में से 58 घटा लो, तो बोले सर 90 में से जब 58 घटाएंगे तो 32, तो थीटा बराबर 8 चौका 32 यानी कि 8 डिग्री, थीटा बराबर 8 डिग्री, खेल है केवल कॉन्सेप्ट का, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लपेट देते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9, कमाल का क्वेश्चन आ गया, फिर से थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो, तो बोले सर कमाल का क्या क्वेश्चन है, टेन 2 थीटा इंटू टेन 3 थीटा बराबर 1 है, 3 थीटा को इधर लगे तो कोटे में बदलेगा, तो इसलिए 2 थीटा और 3 थीटा, फिर तो 5 थीटा जोड़ के 90 होना चाहिए, 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, अब 5 थीटा रह देते हैं क्योंकि पूछ यही रहा, 2 cos स्क्वायर 5 थीटा, 5 थीटा का मान 90 डिग्री, अब बटा 2 माइनस 1, इसको काटेंगे तो 45, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45, तो बोले सर कॉस 45 1 बाई रूट 2 होता है, स्क्वायर 45 करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा माइनस 1, कट गया इधर 1 बच गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 तो आप ही लपेट दोगे, वही चीज आ गया फिर से, साइन कॉस है तो 20 माइनस 20 प्लस कटिए जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 3 से काट देंगे तो x प्लस वाई हो गया 30 डिग्री, तो यही तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई क्या होगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चुटकियों का खेल है एकदम, मजा आएगा हर चीज का जब हम ऐसे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 लपेट देते हैं, बोले सर ये तो और आसान है, ये cosec थीटा इंटू cos थीटा इंटू cosec 23 बराबर 1 है, ये cosec 23 को उधर ठेल देते हैं तो बन जाएगा साइन, क्योंकि बटा में 1 बाई cosec साइन होता, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर साइन 23 डिग्री, कॉस साइन बराबर है मतलब दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए, तो थीटा प्लस 23 बराबर 90 डिग्री, 23 जाके घट जाएगा तो थीटा, प्लस 90 में 23 घटा देंगे तो 67 बचेगा,
67 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नो डाउट। चलो आगे बढ़े जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। फिर वही टेन थीटा यहाँ इंटू होना चाहिए, इंटू टेन टू इंटू टेन थ्री थीटा और वन, तो थीटा का मान तो बोले सर ये तो जोड़ के ना भिन्न होगा, तीन दो पाँच, पाँच थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चुटकी का खेल है, चुटकी का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। बोले आप छोड़ दीजिए सर, क्योंकि साइन बराबर कॉस है, तो थीटा प्लस 18 और प्लस 60 जोड़ के 90 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चल दीजिए, थीटा प्लस 18 और प्लस 60 जोड़ के 90, 60 और 18 78 जाके जुटेगा, तो थीटा बराबर क्या डिग्री होगा, तो बोले सर 12 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, थीटा पूछता तो 12 डिग्री, देखिए 90 में 60 और 18 78 घटाइए 12 डिग्री, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कॉस 5 थीटा, तो कॉस 5 गुने थीटा का मान 12 रखेंगे, 12 5 60 डिग्री। अब कॉस 60 का मान 1/2 होता है, बच्चा जानता है, तो 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। कैसा भी क्वेश्चन दे, किसी भी एग्जाम में पूछा रहे, धुआं धुआं कर देंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। आ जा क्वेश्चन नंबर 14। साइन 5 थीटा बराबर है कॉस 20, तो बोलिए सर साइन और कॉस यानी जोड़ के 90 होना चाहिए, 5 थीटा प्लस 20 डिग्री बराबर 90, 20 जाके उधर घटेगा, 5 थीटा बराबर 70 डिग्री, तो थीटा बराबर 14 5 70 14 डिग्री, कहाँ से घुमाओगे। जब हमें याद है कि साइन कॉस टैन कॉट और कॉस एक्स एक बराबर तभी होते हैं जब जोड़ के 90 डिग्री, इसी का तो कहानी है। इतना इतना क्वेश्चन बनाएंगे, बच्चा जान जाएगा। 15, फिर तो ये आपके लिए ऑफर धमाका, देखते हैं आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाते। 10 ये वाला 10 है, वो 20 है, लेफ्ट राइट करिए दोनों को जोड़ के 90 डिग्री, 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई का मान काट छाट के निकल जाएगा, आंसर जरूर कमेंट करना। चलो आ जा क्वेश्चन नंबर 3 लपेट देते हैं, मतलब टाइप तीसरा। देखिए टाइप चेंज हो गया, अब ऐसा भी बनाए, जबकि आपको पहले बताए थे कि x प्लस 1/x = 2 हो, तो x पर पावर कितनों रहे, प्लस है x पर पावर n प्लस 1/x पर पावर n, तो इसका 2 होगा, x पर पावर n माइनस 1/x पर पावर n है, तो इसका मान 0 होगा, क्योंकि इक्वेशन तब सेटिस्फाइड होता है जब x का मान 1 हो। यहाँ x का जगह साइन है और 1/x का जगह कॉस है, तो बोले सर कॉस को भी तो 1/sin लिख सकते हैं, तो उसी रूप में है, इसका मान 2 है, तो कितनों पावर रहे, इसका भी मान 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक दो बार बताएं जी, अब तो एकदम तांडव होना चाहिए। चलिए आ जाइए, फिर साइन प्लस कॉस का मान 2 है, तो साइन पर पावर 5 कॉस पर पावर 5 का मान 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक दो को बताए हैं, तांडव मचाए हैं तांडव। क्वेश्चन नंबर 3, टैन प्लस कॉट, यह तो एक दूसरे का अपोजिट है, इसका 2 है, तो कितना पावर है, इसका भी मान 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यदि न्यून कोण थीटा है और फिर टैन थीटा इनटू कॉट थीटा 2 है, तो पावर 5 रहे चाहे 10 रहे, सबका मान क्या होगा, 2 होगा, साइन का उल्टा कॉस सेक, टैन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक, ऐसा रहता है 2, तो कितना पावर रहे, 2 होगा। क्लियर, आगे बढ़े हो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 लपेटते हैं। थीटा एक न्यून कोण है और टैन थीटा प्लस 1/3, तो इसी को टैन थीटा इनटू टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दे, या टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, x प्लस 1/x का मान 2 है, तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो बोले सर ऐसा स्थिति में तो थीटा का मान 45 हो जाएगा, काहे कि 45 में बन हो ही सकता है, 2 होने के लिए इसको भी बन होना चाहिए, इसको भी बन होना चाहिए, और टैन में किसका भी मान 1 होता है, 45 का, कॉट में किसका मान होता है, 45 का, एकदम कमाल हो गया, 45 डिग्री, नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ तांडव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बोले सर ये तो फॉर्मूला वाला हो गया, 2 में तो 2 होता है, लेकिन एक्स प्लस 1/x बराबर ए, मैंने आपको ये भी बताया था, तो पहला फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, तो बोले सर ए स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ देखिए टेन प्लस कॉट यानी टेन प्लस 1/tan का मान 5 है, तो स्क्वायर का पूछ रहा है, तो 5 के स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2, 25 में से 2 घट गया भैया 28, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 लपेट देते हैं। यदि टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 2 हो, तो टेन पर पावर 10 प्लस कॉट पर पावर 10, तो बोले सर इसका भी मान 2 होगा, 2 रहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट।
चलो आगे बढ़ देते हैं, आ जाओ टाइप नंबर चार, आज एकदम गर्दा छोड़ा देते हैं क्या। चलो देख लो, अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि sec plus tan और sec minus tan एक दूसरे के अपोजिट होता है, उसी प्रकार से cosec plus cot और cosec minus cot एक दूसरे के अपोजिट होता है। बारीकी से थ्योरी के साथ टाइप चार में मैं पहले बताया हुआ हूँ, इतना फास्ट चलने का कारण है कि पहले मैं बारीकी से आपको पढ़ाया हूँ। तो बोले सर आप तो बताए हुए किए थे कि sec plus tan दिया रहे तो उसका जस्ट उल्टा होता है sec minus tan, तो यहाँ पर sec थीटा minus tan थीटा ये हो जाएगा 1/√3। हमें साइन चाहिए तो पहले टैन टैन काट देते हैं, तो यहाँ पर 2 sec थीटा हो जाएगा, और 2 sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोले सर हो जाएगा ये भी तो जुटेगा, तो जुटेगा तो हो जाएगा √3 + 1/√3, प्लस को जोड़ेंगे √3 × √3 4/√3 किसका हुआ sec का, 2 से ही 2 × 4 कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं sec थीटा बराबर हो गया 2/√3। अब यहां से डायरेक्ट थीटा का मान निकाल सकते हैं और साइन का मान निकाल सकते हैं, या ये क्या होता है sec थीटा कर्ण बटा आधार, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बोले सर ऐसे भी √3/2 cos में होता है 30 का मान, तो sec में 2/√3 sec 30 का मान होता है, तो यहां पे ऐसे भी हम जान जाएंगे कि थीटा का मान 30 डिग्री। अब थीटा 30 तो पूछ रहा है साइन थीटा, यानी साइन 30 का मान होता है बाबू 1/2। ऐसे कर्ण बटा आधार भी लेके चलेंगे तो लंब निकालेंगे तो 1 आएगा, फिर लंब बटा कर्ण कर देंगे यानी 1/2 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, टाइप चार पहले जरूर देख लेना, जो थियोरेटिकल आठ तक बताए उसको देखिए, उसके बाद इसको धुआं धुआं कर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 हो, तो साइन प्लस कॉस, तो बोले सर इसका में तो आप यही ना बताए हैं कि नीचे वाला कर्ण होता है, और जब कर्ण 13 हो गया तो लंब और आधार 5/12 होगा, इसमें कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण एलसीएम कर्ण, तो जो नीचे वाला होगा हमेशा कर्ण होगा, ये केवल साइन कॉस में ऐसा संभव है, बाकी तो सेक टैन और कॉसेक कॉट में तो बताया था कि अपोजिट होता, ठीक है। बोले सर जब पता ही चल गया तो पूछ रहा है साइन प्लस कॉस का, तो बोले सर नीचे तो 13 ही होगा, अब ऊपर देखिए लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, तो नीचे तो 13 ही होगा, लेकिन ऊपर माइनस था तो घट गया था, 12 − 5 = 7, यहां प्लस है तो जुड़ जाएगा 12 + 5 = 17, 17/13 चुटकियों में निपटा दिए, 17/13 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आ गया क्वेश्चन नंबर 3, तो फिर बोलिए सर sec प्लस tan है, तो सबसे पहले जैसे ही sec थीटा प्लस tan थीटा या cosec cot आता है तो जस्ट उसका उल्टा लिखेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/4, sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब क्या है tan tan कट गया तो 2 sec थीटा बराबर, तो बोले सर 4 + 1/4 कमाल करते हैं, जुड़ जाएगा 4 × 16 = 17, अब 4/8 हो जाएगा, ये 2 जो है गुना में, ऊपर तो कटेगा नहीं तो नीचे चल जाएगा, तो बोले सर sec थीटा बराबर 17, आई जब 2 नीचे जाएगा 4 में गुना होगा तो 4 × 8। अब sec थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, तो बोले सर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 17 आधार 8, तो लंब 15 कहने में कोई मना कर देगा, बोले सर कोई नहीं मना करेगा, 8, 15, 17 याद है, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है cos थीटा, तो बोले सर cos थीटा तो होता है आधार बटा कर्ण, तो बोले सर सेके को उल्टा करिए ना, आधार 8 कर्ण 17, यहां लंब निकालने की जरूरत नहीं था, sec 17/8 आ गया तुरंत cos हो जाएगा 8/17, उल्टे तो होता है, तो 8/17 हो गया, और क्या ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तूफान की तरह आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 लपेटो मजे, फिर से sec थीटा प्लस tan थीटा 5 है, तो tan थीटा प्लस 1/tan θ − 1, तो पहले tan ही निकाल लेते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5/ sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना, तो बोले सर उल्टा हो जाएगा 1/5, क्योंकि उदिया हुआ है प्लस वाला, तो माइनस वाला उसका उल्टा ही, तो आप जानते ही है ऐसा होता क्यों है, पता है ना सबको, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, जब a प्लस b है माइनस b से तोड़ेंगे तो प्लस वाला का उल्टा माइनस वाला का उल्टा प्लस वाला, तो यहां प्लस वाला दिया हुआ उसका उल्टा माइनस वाला, हमें tan चाहिए, बोले सर क्या दिक्कत है, sec चाहिए तो जोड़ते थे, tan चाहिए तो घटा देंगे, तो घटाइए माइनस e प्लस e माइनस, sec sec कट गया प्लस माइनस, यहां 2 tan हो गया, इसको घटाते हैं तो 5 − 1/5 जाएगा, तो 25 − 1 = 24/5, 2 से 2 कट जाएगा 12 × 24,
यानी फाइनली हम लोग के पास बच गया टेन थीटा बराबर 12/5। ऊपर ऊपर काट रहा है तो काटे, ये होता लंब बटा आधार, लंब हो गया आधार हो गया। बोले सर इतना करने की क्या जरूरत, लंब आधार कर निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग से पूछ ही रहा है कि टेन थीटा प्लस वन, यानी कि टेन थीटा, यहाँ पे मैं बैठा रहा हूँ, टेन थीटा का मान 12/5 प्लस वन, अब बटा 12/5 माइनस वन, बटा यहाँ भी वन, बटा यहाँ भी वन। बस अब क्या है, एलसीएम लेके नीचे ऊपर कर दीजिए और काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आपको लाना है, छोटा सा एकदम कैलकुलेशन है, हमारे माइंड में तो आंसर क्लिक कर रहा है लेकिन आंसर आपको लाना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 लपेटते हैं। तो बोले सर sec अल्फा प्लस tan अल्फा बराबर 2 है, तो sec अल्फा प्लस tan अल्फा बराबर 2 तो निश्चित है, इसलिए sec अल्फा माइनस tan अल्फा इसका उल्टा। बहुत बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन। सर पहले sec निकाल लीजिए, साइन निकल जाएगा, या tan निकाल लीजिए आपकी मर्जी। तो tan tan काट दिए, तो 2 sec अल्फा बराबर 2 दूनी 4 एक 5/2। ये 2 है ऊपर तो कट नहीं रहा है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा। जब 2 नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? तो बोले सर sec अल्फा बराबर ऊपर 5 और नीचे 2 दूनी 4। हम सभी जानते हैं ये होता है भैया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण 5 आधार 4 तो लंब 3, 3 4 5 याद है ना। पूछ क्या रहा है? साइन अल्फा। तो बोले सर साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना आप लाए हैं 3, कर्ण कितना है 5। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, कितना फास्ट आ रहा। तो 3/5 तो आंसर दिया नहीं है। तो बोले सर 3/5 नहीं दिया है तो भागा दे दो, 0.6 हो जाएगा। और क्या, भागा दो ना, 0.6 हो जाएगा। ये कैसे भी घुमा सकता है, देखिए एस एस सी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ जाओ, दौड़ के निकल जाओ। अगला क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का कितना? तो बोले सर ये हो गया हम लोग का छठा, यानी टाइप 4 का। तो बोले सर फिर तो वही है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5। बोले सर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5, तो निश्चित है इसका उल्टा हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, उल्टा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम ऊपर वाला को ना उलट के लिख देते हैं, बड़ा वाला को इधर लिख देते हैं, बड़ा वाला को इधर लिख देते हैं। क्या देखिए, जब प्लस में तो कोई पहले लिख देते हैं √5 या प्लस 2 लिख देंगे, कोई मना कर सकता है? 2 प्लस रूट 5 को रूट 5 प्लस 2। बोले काहे सर, काहे कि हम सभी जानते हैं कि प्लस को उल्टा माइनस, इसको हम 1/2 लिखेंगे। तो देखिए 1/2 लिखेंगे ना √5 और प्लस 2, तो कंजुगेट करना पड़ेगा। कंजुगेट करेंगे तो √5 माइनस 2, ध्यान दीजिएगा, और नीचे √5 माइनस 2, नीचे वाला तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 बच जाएगा, यानी फाइनली हमारा बचेगा √5 माइनस 2। हालांकि लिखने की जरूरत ही नहीं थी, उलटने पर केवल चिन्ह बदलता है, √5 प्लस 1 है, आई √5 माइनस 2 है, √5 प्लस 2 है, √5 माइनस 2 है, बस उल्टे हैं तो चिन्ह बदल गया। अब निकालना क्या है, तो निकालना है साइन। तो पहले ना इसको काट देते हैं, तो हो जाएगा 2 sec थीटा। तो बोले सर इसको ये भी तो जुटेगा, तो ये जोड़ेंगे तो प्लस 2 माइनस 2 कट ये जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कट ये जाएगा, तो बचेगा कितना 2√5। अब ये भी कट गया तो फाइनली बचा sec थीटा बराबर √5। हमें चाहिए साइन। तो बोले सर कोई बात नहीं है, बटा में तो कुछ नहीं था, ये खाइए ना है, हम सभी जानते हैं ये होता है कर्ण बटा आधार, तो लंब कितना होगा? बोले सर लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है 5, √5 का स्क्वायर 5 माइनस आधार स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट अंडर 4, यानी कि लंब हो गया 2, लंब 2 हो गया, कर्ण √5 और आधार 1। पूछ क्या रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना लाए 2, कर्ण कितना भैया √5, 2/√5 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, कैसे भी पूछ दे, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है कि sec और tan में है तो प्लस वाला को उल्टा माइनस, माइनस वाला को उल्टा प्लस, दोनों इक्वेशन को हल करके sec निकाल देंगे। लंब आधार कर निकालने के बाद फिर किसमें हिम्मत है जो नहीं निकलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन है, चलो लास्ट पहुंचने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए कि सर ये तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना है 1/√3। तो बोले सर जी sec थीटा माइनस tan थीटा
बराबर आपका वन बाई रूट थ्री है, तो कन्फर्म है जी कि प्लस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान रूट थ्री होगा। अब हमें क्या निकालना है, सेक इंटू टेन दोनों निकालना है, तो सेक इंटू टेन दोनों निकालना था, ऊपर स्क्वायर भी कर सकते थे लेकिन फिर प्लस में आ जाएगा तो फंस जाइएगा, तो करें क्या, तो बोले सर जोड़ दीजिए, तो टेन टेन कट गया, टू सेक थीटा बराबर जोड़ेंगे तो हो जाएगा चार बटा रूट थ्री। सबसे आसान तरीका है दो दूनी चार, और टू बटा रूट थ्री जब आ गया तो यहाँ पर ना लम आधार कर्ण नहीं करिए, क्योंकि टू बटा रूट थ्री में आराम से थीटा का मान निकल जाएगा, इस सेक थीटा का मान आया टू बटा रूट थ्री, और टू बटा रूट थ्री होता है बाबू सेक में 30 डिग्री का मान, एकदम दिमाग दौड़ा के देख लो। तो बोले सर इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब थीटा 30 हो गया तो यहाँ भी 30 पुट करेंगे, यहाँ भी 30, सेक 30 का मान क्या होता है, तो बोले सर सेक 30 का मान तो होता है टू बटा रूट थ्री गुना, टेन 30 का मान क्या होगा, तो बोले सर टेन 30 का मान तो होता है वन बाई रूट थ्री, तो ऊपर टू और नीचे रूट थ्री गुना रूट थ्री तीन, दो बटा तीन, दो बटा तीन हो गया बाबू ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? और आज के इस धमाकेदार सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइप चार तक फिनिश। अगला जो प्रैक्टिस सेशन आएगा, पहले सब टाइप देख लेना है जो हम थियोरेटिकल पढ़ाए हैं, अगला जो आएगा वो होगा टाइप चार से आठ तक फिनिश, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। बस अब तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर आठ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर तीन है, तो बोल रहा है पांच साइन थीटा, तो बोले सर आप ही तो बताए हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर तीन है, तो तुरंत हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर वन बाई थ्री जोड़ देंगे, पहले टेन थीटा माइनस थोड़ी ना होगा, ये तो उल्टा कर दिए हम लोग, करना क्या है कि इसको उलट के लिख देते हैं, सेक थीटा चूंकि प्लस में तो कैसे भी लिखे, टेन थीटा बराबर तीन, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन बाई थ्री। यहां से कोई निकाल लीजिए, साइन अपने आप निकल जाएगा, देखो टेन टेन कैंसिल, टू सेक थीटा, तीन तीन नौ एक दस, अब बटा तीन, दो से पांच बार में कट गया, यानी सेक थीटा हो गया पांच बाई तीन, पांच बटा तीन यानी कि कर्ण बटा आधार होता है सेक ही, तो हम सब जानवे करते हैं, तो जब कर्ण पांच और आधार तीन तो लंब चार कर इसको रोकेगा नहीं रोकेगा, लंब हो गया चार। अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है पांच गुने साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब है चार और कर्ण कितना है पांच, पांच पांच कट गया, फाइनली आंसर चार। तो देखिये आपने 59 प्रश्नों का तांडव किए हैं हम लोग, फिर अगला में भी लगभग 50 प्लस ही रहेगा, प्रैक्टिस सेशन खत्म होगा, हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, लेकिन इतना तेजी सॉल्यूशन देखने के लिए आपको पहले आप जो आठों टाइप हम बताए हैं वो क्लियर कर लेना होगा, आप खुद क्लियर करिए, आपके जानकारी भाई बहन दोस्त सबको बताइए, एडवांस पर कमांड रहना बहुत जरूरी है ताकि रिजल्ट होगा। बाकी सुबह में 8 बजे लाइव क्लास सेशन, और जो रात में 9 बजे जो है रीजनिंग का सुपर 30 रीजनिंग, और सुबह सुपर 30 मैथ, उसमें जरूर शामिल होने का प्रयास करें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, सहित।